अज्ञात ट्रक ने मारी कार में पीछे से जोरदार टक्कर, पत्नी की मौत, 3 मासूम सहित 2 युवक घायल। जिले के सुरवाया थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मझेरा फोर लेन पर एक अज्ञात ट्रक ने कार में पीछे से तेज रफ्तार लापरवाही चलाते हुए टक्कर मार दी, जिसमें सवार महिला की मौत हो गई, वहीं 3 मासूम बच्चों सहित 2 युवक घायल है, जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार लवकुश निवासी ग्राम सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश ने बताया कि वह पुणे में रहकर कपड़े धुलाई का काम करता है। इस दौरान वह अपने गाँव सिद्धार्थ नगर शादी समारोह में शामिल होने के लिए वापस से अपने घर जा रहा था। इस दौरान जब वह शिवपुरी जिले के सुरवाया थाना अंतर्गत आने वाले मझेरा फोर लेन पर पहुंचा, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक चालक ने लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी, जिसके बाद लवकुश की पत्नी साधना कन्नौजिया उम्र 26 साल निवासी सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश की मौत हो गई है। घटना में लवकुश का साला अभिषेक पुत्र दिनेश कन्नौजिया उम्र 18 साल, लवकुश का दोस्त जयनाथ पुत्र राम भरोसी उम्र 35 साल निवासी गोरखपुर, लवकुश की बेटी रिया पुत्र लवकुश उम्र 8 साल, सिया पुत्र लवकुश 1 साल, आदित्य पुत्र लवकुश 5 साल घायल है, जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। सुरवाया थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सर, एक एक्सीडेंट है मजेरा साइड का, क्या कुछ पूरा मामला था, क्या सूचना मिली थी आप लोगों ये को? रात में एक्सीडेंट हुआ था, रात में गश्त वाले जो थे जी, और उसके पहले एम्बुलेंस से ये लोग यहाँ आ चुके थे और गश्त वाले वहाँ गए थे। मौके पर उनकी गाड़ी तमन्ना होटल पर रखवा दी गई है जी। कुछ अज्ञात ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी है, इसमें इनकी पत्नी ये लवकुश की पत्नी साधना की मौत हो गई है जी, डेड हाउस में रखी है जी। और दो लोग वैसे इंजर्ड तो चार लोग हुए हैं जी, उस जिसमें से दो लोगों को ज़्यादा चोटें हैं, वो अभी एडमिट है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे सर ये? ये पुणे से सिद्धार्थ नगर गोरखपुर जा रहे थे। किस जगह की घटना है सर ये? मजेरा फोर लाइन की।